दोस्तों ये है MG Gloster। MG Gloster का अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है फॉर्चुनर से और इस सेगमेंट की कुछ बड़ी गाड़ियों से। अब MG दावा करता है कि इस गाड़ी में बहुत सारे कुछ अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, इसके कॉम्पिटिटर से बेहतर है ये गाड़ी। तो आज हम आए हुए हैं ऑफ रोडिंग करने इस गाड़ी के साथ और हम देखेंगे कि ये गाड़ी कितनी कैपेबल है आखिरकार। आज हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह कैसा है और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे आपको ट्रैक पे लेके। यहाँ पे जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये है आपका स्टेज वन और इस तरफ है आपका स्टेज टू ट्रैक, मतलब उस तरफ थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज MG Gloster के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरे साथ यानी जयदेव मलिक, और स्वागत करता हूँ आप सभी का NBT ऑटो पे। तो दोस्तों अब आ गए हैं MG Gloster के अंदर और सबसे पहले जाते हैं हमारी स्टेज वन की ओर। सो फर्स्ट स्टेज में हम टेस्ट करने वाले हैं हिल डिसेंट कंट्रोल। अभी यहाँ पे ऑब्स्टेकल आप देख सकते हैं कि सामने कितना गहरा गड्ढा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। एंड सर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाने वाले हैं, है ना? Yes. आप ब्रेक नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। एंड सर बिना ब्रेक लगाए हुए यहाँ पे गाड़ी देखते हैं कैसे कंट्रोल होने वाली है। तो ये बिना ब्रेक लगाए सर ने गाड़ी एकदम जा रही है स्मूथली, मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी फ्री हो गई है, गाड़ी बहुत ही कंट्रोल में है, एकदम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है। एंड अभी इस ऑब्स्टेकल को तो MG Gloster ने पार कर लिया है। अब आते हैं दूसरे ऑब्स्टेकल पे। दूसरा ऑब्स्टेकल क्या है? इसकी अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल वाला इसका ऑब्स्टेकल है दूसरा वाला। अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ थोड़े से मिट्टी के हर्डल्स बने हुए हैं, एंड वहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे गाड़ी एकदम आराम से निकल पा रही है। मतलब मैं अंदर बैठा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है अंदर बैठ के भी। एंड यहाँ पे सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है उसका बहुत ही अच्छा यूज़ पता चल रहा है। यहाँ पे कोई एकदम सॉफ्ट सस्पेंशन होते तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी में दिक्कत आ सकती थी, बट यहाँ पे अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अब तीसरा हमारा जो हर्डल है वो आ गया है और ये है स्टेबिलिटी कंट्रोल का। देखते हैं गाड़ी कितनी स्टेबल है, मतलब इसमें काफ़ी एक ज़्यादा एंगल पे गाड़ी को उठा दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा आगे से उठी हुई है, मतलब एक अच्छे खासे यहाँ पे 45 से ज़्यादा के डिग्री के एंगल पे ये गाड़ी होगी अभी, एंड एकदम आराम से गाड़ी निकल गई है यहाँ पे। अब सर कौन सा टेस्ट है ये? चिकन पिट, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, टॉर्क ऑफ द व्हीकल, स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल, एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे सर बिना रेस पेडल पे पांव रखे हुए इस गाड़ी को आराम से निकाल पा रहे हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप सभी को यहाँ पे पता चला कि इस गाड़ी में जो टॉर्क है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। एक और स्टेज हमारे सामने है एंड यहाँ पे आराम से गाड़ी बहुत स्मूथली यहाँ पे चढ़ जा रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, गाड़ी एकदम पावर लेने वाली बात है। ये हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आराम से गाड़ी एकदम आराम से नीचे आ जाती है, एंड फिर भी यहाँ पे ब्रेक दबाने के लिए बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना पड़ता है, मतलब ब्रेक्स की यूज़ करने ही नहीं आपको, इतना अच्छा हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण इस गाड़ी का। अब एक और स्टेज है वैसा ही है जैसा अभी आपने पीछे देखा था, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊँचा है पिछले वाले के मुकाबले, तो इस पे देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। एंड ये मेरा चश्मा यहाँ से पीछे आ गया था, एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल का आपने बहुत सही उदाहरण देखा। इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पे मुझे सुनाई आ रही है उसकी आवाज़, कितनी आराम से यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ हो पा रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज की ओर और देखते हैं सेकेंड स्टेज में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं अब गाड़ी के लिए। दोस्तों सेकंड स्टेज आ गई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे एंगल पे, मतलब एक टायर आगे वाला हवा में और पीछे वाला भी टायर एक हवा में है, एंड यहाँ पे गाड़ी का हिल डिसेंट कंट्रोल देखना है कैसे यहाँ पे गाड़ी स्टेबिलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट हो पा रही हैं गाड़ी की। बहुत ही आराम से गाड़ी एकदम निकल गई, मतलब पावर वगैरह की कोई कमी महसूस नहीं होती इस गाड़ी में, और स्टेबिलिटी अभी और टेस्ट करना बाकी है। अभी और देखते हैं, अभी यहाँ पे टॉर्क पता चलेगा। एक बिल्कुल हम जिस एंगल पे नीचे आए थे उसी एंगल पे हम ऊपर जा रहे हैं दोबारा से अभी,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने एक मेरे एक इलेक्ट्रिक पोल है, वहां पे आप देख सकते हैं कितना ऊंचा इसको बनाया गया है। मतलब ये कम से कम भी अच्छा खासा 2-3 मीटर का होगा ये हाइट अच्छा खासा। एंड यहाँ पे गाड़ी को अभी चढ़ाया है, एकदम स्टीप हाइट था एकदम, तो यहाँ पे गाड़ी का हिल डिसेंट कंट्रोल और स्टेबिलिटी यहाँ पे एक टेस्ट हो गई है। अब चलते हैं एक और टेस्ट की ओर। तो दोस्तों ये है सी-100 स्टेज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी के साथ यहाँ पे सी-100 होने वाला है। एंड इसमें क्या है, मतलब गाड़ी एक फ्रेम पे चढ़ी है एंड वो फ्रेम एक ट्रायंगुलर शेप का है। मतलब गाड़ी ये गाड़ी आपने देखा कैसे सी-100 फ्रेम यहाँ पे जो यूज किया गया है उस पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। तो सर ये कौन सा स्टेज है? ये भी स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल ही है। और हम अभी कितने एंगल पे होंगे सर? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एंगल टू शोकेस द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल। मतलब अगर मैं एक अपने अंदाजे से बताऊं तो ये 60 डिग्री के जितना, 60 डिग्री नहीं, उसके 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में एक एंगल होगा। वी आर ऑन सैंड सो देयर इज नो डिफाइंड एंगल राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की स्टेबिलिटी, मैं बिल्कुल एकदम इस तरफ हो गया हूँ। सर को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है ऊपर से। क्या मिल रहा है सर? सर अच्छा सनसेट एंजॉय कर चुके हैं अभी ऊपर से एकदम। तो दोस्तों ये थी बात स्टेबिलिटी की, हिल होल्ड कंट्रोल की एंड आपकी MG ग्लॉस्टर की पावर की। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी आपने देखा MG ग्लॉस्टर को तमाम स्टेजेस पे ऑफ रोडिंग करते हुए। तो आपको क्या लगता है ये अपने कॉम्पिटिटर्स से कितनी ज़्यादा बेहतर है और कितनी कैपेबल है ऑफ रोडिंग की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो में।